हेलो दोस्तों, मोहम्मद ताई चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे लेटेस्ट कुर्ती की कटिंग करना। ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। और ये हमारी अमीना बुटीक की एप्लीकेशन है, आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल भी कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको इस कुर्ती का नाप बता देते हैं। इसमें हमारे दो चार नाप होते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इसमें लंबाई हमारी 47 है। बाकी हम कपड़े की लंबाई नापेंगे कि उसकी लंबाई होगी या नहीं होगी, तो हम थोड़ा 19 भी इसमें कर सकते हैं। इसकी जो आपका ब्रेस्ट का नाप है वो है 19 इंच तैयार। कमर का नाप है वो है 17 इंच तैयार। जो हमारा नेक है वो आगे पीछे बोट नेक है। हमारा जो तीरा है 14 इंच तैयार है। और दोस्तों, ये हमारी कट सिल्क कमीज है, इसमें बाजू नहीं लगेगी। तो इसकी कटिंग कैसे होगी, तो सबसे पहले दोस्तों आप एक कपड़े को साफ़ कर लें। आप उसकी लेंथ नाप लेंगे, आप इसे इस तरीके से लेंथ नापेंगे। तो देखिए हमारी लेंथ 49 आ रही है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले दोस्तों देखिए, हमें यहाँ से ऊपर की तरफ से हमारे 19 इंच की ब्रेस्ट है। तो आप यहाँ पर 19 का ये 9.5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको करीब 2.5 इंची या 2 इंच एक्स्ट्रा करके निशान लगाएंगे तो हमारा 12 इंच हो गया। आप इसी तरीके से 12 इंच पे निशान नीचे भी लगा लें। दोस्तों, ये निशान लगाने के बाद आप इसे निशान को इस तरीके से पकड़ेंगे। तो दोस्तों, आप देखिए इसे इस तरीके से आपको 12-12 पे निशान लगा के यहाँ पे आप प्रेस से पहले एक क्रीज बना लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमने चौक ले लिया है, जिससे कि आपको दिखाने में आसानी होगी, क्योंकि पीला और नीला नज़र नहीं आ रहा था इसमें। तो आप सबसे पहले एक निशान ऊपर लगा लेंगे। तो दोस्तों, ये निशान लगाने के बाद जितनी हम चोली तैयार रखेंगे ऊपर से, आप वहाँ पे निशान लगाएंगे। हमारी चोली है 14 इंच तैयार, तो हम 14.5 पे निशान लगाएंगे। और दोस्तों, इतनी हमारे यहाँ पे ही कमर का नाप होगा, तो हम इसे सीधा कर लेंगे। दोस्तों, ये निशान लग गया। उसके बाद हम यहाँ से निशान लेंगे अपना आर्मोल का, और यहीं पे हम अपनी ब्रेस्ट का निशान भी लगाएंगे, जो हमने 19 इंच आपको बताया है। तो दोस्तों, जो हमारे 19 इंच ब्रेस्ट है, इसमें हम जो नाप लेंगे वो 7.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे, और इसको भी हम सीधा करेंगे। तो दोस्तों, सीधा करने के बाद अब 19 इंच हमारे ब्रेस्ट हैं, तो यहाँ पे देखिए हम 9.5 पे निशान लगाएंगे, और कमर हमारी 17 है, तो हम 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये दो निशान लगाने के बाद हम अपने फुट्टे की मदद से इसे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब दोस्तों, हमारा तीरा 14 इंच था, तो नीचे की तरफ से आप पहले 7 इंच पे निशान लगा लें। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से आपने 7 इंच पे निशान लगाया है। इसी तरीके से आप ऊपर की तरफ में 7.25 पे निशान लगाएंगे, क्योंकि तीरा आपका 14 इंच तैयार है, तो आप 7.25 पे निशान लगाएं। बाकी हमारा जो पट्टी या पाइपिंग लगाएंगे उसमें दब जाएगा। दोस्तों, बोट नेक है हमारा गला, तो उसमें आप देखिए 4.5 इंच का आप निशान लगाएंगे, ठीक है। और बोट नेक के हिसाब से हम यहाँ पर इस तरीके से लंबाई लेते हैं। तो हमारे ये लंबाई और फार्मूले कैसे निकलते हैं बोट नेक और कॉलर के, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आई लिंक पे क्लिक करके आप 30 साइज से लेके 50 साइज तक की वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये निशान लगाने के बाद आप इस निशान से नीचे वाले निशान को ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पे राउंड दे देंगे थोड़ा सा फिनिशिंग के साथ। तो देखिए राउंड हो गया। अब दोस्तों, आप यहाँ पर कंधे को आधा इंच डाउन करेंगे अपने ब्रॉडनेस से। अब आपको ये कटिंग करना है। तो कटिंग करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, नीचे की तरफ से पहले आधा इंच एक्स्ट्रा लेके आप इसे कटिंग करेंगे निशान से। फिर दोस्तों, आप ऊपर की तरफ से कटिंग करेंगे, फिर कंधे डाउन करके आप कटिंग करेंगे, फिर यहाँ पर आप इसे इस तरीके से निशान पे, और जो आपने आर्मोल का निशान लगाया आप उस पर कटिंग करेंगे। फिर दोस्तों, जितना आप मार्जिन देना चाहते हैं उतना मार्जिन छोड़ के आप यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि आपका ये ऊपर की चोली वाला कटिंग हो चुका है हिस्सा। आप एक कट यहाँ पे लगा लें अपने ब्रॉड पे, एक लगा लें अपने ब्रेस्ट वाले हिस्से पे, एक कट लगा लें अपना जहाँ पे आप फोल्ड करेंगे। तो दोस्तों, ये आपका जो फ्रंट वाला हिस्सा कटा है, तो इसमें हम कट स्लिप देंगे, और कट स्लिप वाले हिस्से में फ्रंट वाला हिस्सा नहीं कटता, तो बैक जो बैक वाला पल्ला होगा वो भी बिल्कुल बराबर और सेम कटेगा, ठीक है। तो आप उसे निकाल लेंगे कैसे, तो उसके लिए देखिए ये वाला जो हिस्सा है, जैसे आपने यहाँ पे नापा था बिल्कुल सेम, आप इसको नीचे वाले को भी ऐसे नाप के प्रेस करके सेम कटिंग कर लें। देखिए, हमने प्रेस करके इसके ऊपर बिछा लिया है, और बिल्कुल सेम हम इसकी कटिंग कर देंगे।
तो दोस्तों ये देखिए हमारी चोली आगे और पीछे की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे इस तरीके से हटा देंगे और यहाँ पे जो कपड़ा था हम इसे कटिंग करके सीधा उतार लें। दोस्तों उतारने के बाद आपको क्या करना होगा, अब देखिए बहुत सिंपल है। आपको ये कपड़े को इस तरीके से ले जाते हुए ऐसे पकड़ना है, ठीक है। आप इसे इस तरीके से ले जाएं, जब आप बिल्कुल इसे एक बराबर करके इसे बिछा लें। तो देखिए दोस्तों हमने चारों पल्ले को इस तरीके से बिछा लिया है, ठीक है। ये हमारा अंदर का इसमें सीधा है, उसके बाद ये वाला हमारा अंदर का सीधा है। हमने इसे प्रेस कर लिया है, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए ऊपर की तरफ से आप इसे इस तरीके से पल्ले उठा के देख लें। जब ये आपका लगे कि जो कम वाला हिस्सा है जहाँ पर, तो आप इसे इस तरीके से ऐसे रख के एक निशान लगा लें सीधा और इसे पहले कटिंग कर लें। तो दोस्तों ये देखिए आपकी कटिंग हो गई। उसके बाद आपको क्या करना होगा, 14 इंच की हमारी चोली थी तो यहाँ पे आप 13.5 इंच से नापेंगे और नीचे तक लेके जाएं। तो हमारी लंबाई हमने आपको 47 बताई थी, आप देखेंगे कि हमारी 47 लेंथ नहीं निकल पाएगी इस कपड़े में, तो हम 46 पे निशान लगा लेंगे। दोस्तों ये निशान लगाने के बाद आप इसे फुट्टे की मदद से सीधा कर लें, क्योंकि जो भी आड़ा तिरछा होगा ये सब निकल जाएगा। दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पे तकरीबन 18.5 इंच पे आप निशान लगाएंगे एक ऐसे, और एक निशान 18.5 इंच का आप लगाएंगे ऊपर। आप चाहे तो ऊपर से थोड़ा कम भी कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे 18.5 को कम करके, क्योंकि कमर हमारी इसकी पतली है तो हम 16.5 पे भी निशान लगा सकते हैं। और इस निशान को आप लगाने के बाद इंची टेप को ऐसे रखें और नीचे वाले निशान से ऐसे मिला के बिल्कुल सीधा निशान लगा लेंगे ऐसे करके। फिर ये निशान लगा के फुट्टे की मदद से आप इसे पूरा सीधा कर लें। तो दोस्तों जब ये आप कर लेंगे इसको, तो आपको क्या करना होगा, आप इसे इसी निशान पे कटिंग कर दें। फिर उसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ से आप इसे नीचे की तरफ से बिल्कुल सीधा करके कटिंग कर लेंगे। आप यहाँ पे कट लगा लें, और यहाँ पे जो डबल में कपड़ा है आप इसे भी बाद में कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे कि आपका ये इस तरीके से कट चुका है। तो दोस्तों देखिए हमने ये पूरा का पूरा कटिंग कर लिया है, ठीक है। कटिंग करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा चोली वाला हिस्सा है जिसमें हमने बैक और फ्रंट का चोली का हिस्सा भी आपको काट के दिखा दिया था। उसके बाद ये देखिए हमने 2.5 मीटर कपड़ा लिया था जिसमें से हमारा सिर्फ ये वाला हिस्सा बचा है। इसमें अगर आप छोटी बाजू बनाना चाहते हैं तो आपकी बाजू बन जाएगी जो कि कोहनी तक चलती है, तो अगर आप वो पहनना चाहते हैं तो इसमें आपकी आराम से हो जाएगी। और ये जो थोड़ा सा किनारी निकली थी इसे जोड़ के आप अपना गले में बना सकते हैं, तो इससे आपका पूरा पूरा पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बड़ी बाजू पहने तो इसमें आपका 3 से 3.5 मीटर का कपड़ा लगेगा, क्योंकि हमारी ये कट स्लिप कमीज थी इसलिए हमारा 2.5 मीटर में ये आराम से हो गया। तो दोस्तों इसकी स्टिचिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।